अगर आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है पीआर के और बहुत ज्यादा है स्पॉन्सर्ड जॉब्स के। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव। मैं हूं अभी। तो भाई आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे हमें यूके में पीआर मिल जाए या स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए। हम सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी आपको इंडस्ट्रीज बताने वाले हैं इस वाले वीडियो में, ऐसे कोर्सेज बताने वाले हैं जिससे आपको अब्रॉड में कहीं पर भी, अब्रॉड में नहीं आप इंडिया में भी हो वहां पर भी आपको जॉब की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसी भी कोने में अगर आप ये डिग्रीज कर रहे हो, अगर आप इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, तो जॉब्स मिलना काफी इजी हो, बहुत इजी रह सकता है। ये जितने भी हम आज बताने वाले हैं आपको टेक्नोलॉजी, जितने भी इंडस्ट्रीज बताने वाले हैं, इसका मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है आज की डेट में और अगले कुछ सालों तक रहने वाला है। जितनी हमने रिसर्च करी है उस हिसाब से अभी तो उसमें काफी बूम है, बहुत ज्यादा, बट नेक्स्ट काफी डेकेड्स तक, मतलब 30 से 40 साल तक वो बूम रहने वाला है आराम से। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। सबसे पहली ऐसी टेक्नोलॉजी और सबसे पहला ऐसा कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट जिसमें अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, या तो बैचलर्स है या फिर मास्टर्स है, या इंडिया में भी अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, तो इसमें जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा ईजी है, जो की है कोडिंग। और कोडिंग यार, हम आज की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है, हर एक चीज कोडिंग से होती exactly. है। हम लोग कोई भी एप्स यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कोडिंग। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में शुरू से ही, और स्पेशली अगर आप बैचलर्स में अपनी कोडिंग जो स्किल्स है वो इम्प्रूव कर लेते हो, तो बाहर आके जो आपको जॉब मिलने के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ कि मतलब जो स्टार्टिंग में स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी क्लासेस में भी, उनके भी स्कूल करिकुलम में उन्होंने कोडिंग ऐड कर दिया है। यहां तक कि यूके में भी कोवेंट्री में एक स्कूल है, वहां पर इन्होंने चाइल्ड कोडिंग एक टीचर उन्होंने हायर किया ताकि चाइल्ड को भी वो कोडिंग सिखा सके स्टार्टिंग से ही। मतलब कितनी भी ऑटोमेशन आ जाए सिस्टम्स में, लेकिन फिर भी आपको कोडर्स की जरूरत पड़ेगी उन सिस्टम्स को, उन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए। तो कोडिंग जो है ये डेफिनेटली एक ऐसी फील्ड है जिसके फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स हमेशा रहेंगे और पीआर के चांसेस बहुत ही ज्यादा है इस फील्ड में। जो सेकंड ऐसा एरिया है, जो सेकंड ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि हम सबको पता है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोज हैंड इन हैंड, मतलब दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको पता ही होगा आज की डेट में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और फेसबुक ने मेटा लॉन्च किया है व्हिच इज ऑल रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो गेम्स भी वर्चुअल रियलिटी वाली आ गई है, ऑगमेंटेड रियलिटी वाली आ गई है, काफी सारे लोग तो ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं गेम्स। सबको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर कितना ज्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में, और अभी इतना ज्यादा है तो इन फ्यूचर कैसा होगा यार। हम तो यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में रोबोट्स होंगे, उड़ती हुई गाड़ियां होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। बट अभी हम ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई आज की डेट में अगर आपको कोई कोर्स करना चाहे तो कौन से कोर्स में पीआर के चांसेस है और कौन से कोर्स में आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने के चांसेस है। सो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। अब डेटा साइंस की बात की जाए तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आईटी में जॉब करता था, अभी मैंने डेटा एनालिटिक्स में जॉब करता हूं मैं, तो मैं डेटा एनालिस्ट हूं। तो मैंने वो कैसे चेंज किया अपनी जॉब प्रोफाइल, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने भी इसी वजह से चेंज किया क्योंकि आगे जाके इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। आप स्टार्ट डेटा एनालिटिक्स से करते हो और आप जाते जाते डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में जा सकते हो। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी अपने डेटा में इन्वेस्ट कर रही है, दे वांट टू नो कि उनके कस्टमर को क्या चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर किन चीजों में फोकस कर रहा है या इंटरेस्ट कर रहा है। इट्स एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डेटा। और आज की डेट में अगर आपकी कंपनी का डेटा जो है वो रिच है, दैट मींस वो कंपनी रिच है। डेटा इज नाउडेज इक्वल टू मनी। सो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें आप जॉब्स जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसमें आप कोर्सेज जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है पीआर के और बहुत ज्यादा है स्पॉन्सर्ड जॉब्स के। तो जो तीसरी फील्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है ये मुझे लगता है, एंड इट्स वेरी अप एंड कमिंग फील्ड विच इज डिजिटल मार्केटिंग। तो यार आज की डेट में आपको पता ही होगा सोशल मीडिया का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है, कॉन्टेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक हर किसी को अपनी पीआर प्रमोशन की अलग से टीम होती है उनकी। डिजिटल मार्केटिंग इतनी वास्ट फील्ड हो गई है आजकल, और हर एक कंपनी को, हर एक बंदा जो आज बिजनेस चला रहा है,
कंटेंट क्रिएट कर रहा है, हर किसी बंदे को डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप भी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो और ऐसी कोई कोर्सेज ढूंढना चाहते हो जिसमें स्पॉन्सर्ड जॉब इजीली मिल जाए, पीआर के चांसेस सबसे ज्यादा हो, तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ दोज फील्ड्स। तो आप इसमें कोर्सेज जो है वो देख सकते हो, चाहे आप बैचलर्स में आ रहे हो चाहे मास्टर्स में आ रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसके अंदर भी काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो उस मॉड्यूल्स में से किसी में भी आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। और ये जो इंडस्ट्री है ये अभी तो बूम कर ही रही है, लेकिन यार सोशल मीडिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एवरी सिंगल पर्सन इज ऑन सोशल मीडिया, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई बंदा आजकल फोन चाहिए, हर कोई बंदा अपने फोन पे है। और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से जो लोगों के प्रोडक्ट्स हैं या जो भी है सेल होते हैं या फिर प्रमोट होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एसईओ आपने सुना ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हर कोई अपनी कंपनी को सबसे टॉप पे रखना चाहता है। कोई भी YouTube चैनल है वो चाहता है कि भाई कोई भी बंदा सर्च करे तो मेरी वीडियो जो है सबसे टॉप पे आए। तो आजकल पीआर प्रमोशन का बहुत ज्यादा क्रेज है और बहुत ज्यादा मार्केट में इतनी जॉब्स हैं इसकी। तो अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हो कोई ऐसा फील्ड तो जिसमें स्पॉन्सर्ड जॉब जो है वो मिलनी इजी होती है, सो डिजिटल मार्केटिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ दैट। तो जैसा कि आपको पता है यार, सितंबर इनटेक जो है वो आने ही वाला है, और अगर आप भी सितंबर इनटेक में आना चाहते हो, यहाँ पे आपने प्रोसेस जो है वो अपनी पढ़ाई का स्टार्ट कर दिया है अब्रॉड स्टडी का, और अभी तक अगर आपने एकोमोडेशन बुक नहीं करी है, तो एकोमोडेशन की बात करें तो यार एम्बर स्टूडेंट जो है वो सबसे टॉप पे आता है यहाँ पर। एकोमोडेशन एक ऐसी चीज है जो आपको इंडिया से ही या अपनी होम कंट्री से जो है वो बुक करके आनी चाहिए, और इनका जो बुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको बस हमारी लिंक पे क्लिक करना है, उसके थ्रू वो आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे और आपकी सारी डिटेल लेके आपको बता देंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। एम्बर स्टूडेंट जो है उनके पास 16,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी लिस्टेड है वेबसाइट के ऊपर, और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो यूनिवर्सिटीज के पास होती है ताकि आपका ट्रेवल जो है वो बच जाए। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है यार कि उनको एक अच्छा सा एनवायरमेंट मिले पढ़ाई करने का। और एम्बर स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज है हमने एक टूर भी दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यार इनका जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑल इंक्लूसिव होती है इनके प्राइस में। कुछ प्रॉपर्टीज में तो आप अपने डिपेंडेंट के साथ भी रह सकते हो एज अ कपल। अगर यार आज की डेट में हम बात करें तो हर चीज हम रिव्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो रिव्यूज के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, तो आप इनके रिव्यूज है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो। वहां से आपको देखने को मिलेगा कि 4.5 स्टार इनको प्रोवाइडेड है ट्रस्ट पायलट के थ्रू। तो यार आपको पता है रिव्यूज के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही है, स्टूडेंट के अगर रिव्यूज अच्छे हैं तो जेन्युइनली ये अच्छे ही होंगे। तो आप यहां से जो है अपनी अकोमोडेशन जो है वो बुक कर सकते हो, और हमारी लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गो चेक इट आउट एम्बर स्टूडेंट। तो अगली कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब कई सारे लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों ने सुना भी होगा, और कहां से सुना है वो है क्रिप्टो करेंसी। आज की डेट में आपको सबको पता है कि यार हर कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, भाई बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कितने भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं, बहुत तरह के हैं, ये सारे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मैनेज होते हैं। और आजकल की जो फाइनेंस कंपनीज है वो भी बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो जितनी भी फिनटेक कंपनीज है इन फ्यूचर दे विल ओनली बी इन्वेस्टिंग इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही यूज नहीं हो रहा, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी आजकल यूज होने लग गया है। जो व्हीकल होती है, जो भी कार्स होती है, उसकी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड होने लग गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसमें क्या है, कोई भी जो फ्रॉड है वो सेलर फ्रॉड नहीं कर सकता कि भाई इसकी जो माइलेज है वो ज्यादा कम करके बेच दे, या फिर कोई भी कार मेंटेनेंस है वो फ्रॉड करके बेच दे गाड़ी, ऐसा नहीं होने वाला। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी गाड़ी के बारे में वो सब कुछ उस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज होगी और 100% सिक्योर होगी। और आज की डेट में आपको पता है यार, फाइनेंस इंडस्ट्री है, स्टॉक मार्केट है, या कोई भी चीज है जो नंबर्स पे बेस्ड है, वहां हर इंडस्ट्री में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। ये सारी इंडस्ट्री जो है ये इन्वेस्ट कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर है दैट विल डेफिनेटली बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन फिनटेक कंपनीज, इन स्टॉक मार्केट्स, इन बैंक, इन बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ जो है वो इन फ्यूचर इस पे शिफ्ट होने वाला है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, अगर आप स्कूल में हो तो आप ये जो टेक्नोलॉजीज है इसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपकी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाए। एग्जैक्टली। तो जो लास्ट फील्ड है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी में जॉब करती है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ, तो इस वजह से आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू इंक्लूड दिस स्टडी एरिया, ताकि मैं लोगों को इंस्पायर भी कर सकूँ। सो बेसिकली
जब तक सिस्टम्स और मशीन्स रहेंगे तब तक हैकर्स भी रहेंगे. Exactly. और तब तक हमारे जैसे लोगों की, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स और स्पेशलिस्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी. और सिस्टम्स और कंप्यूटर्स तो कहीं जाने वाले हैं नहीं. तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि साइबर सिक्योरिटी में लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए. ये इसके जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अगले काफ़ी डेकेड्स तक, जब तक कंप्यूटर्स नहीं जाते इस धरती से, तब तक रहने वाले हैं. और अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट हो तो यार एथिकल हैकिंग का कोर्सेज भी आप देख सकते हो. तो जितने भी साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हैं, जितने भी एथिकल हैकिंग वाले कोर्सेज हैं, इनकी डिमांड जो है वो फ्यूचर में हमेशा रहने वाली है और अभी भी है और हमेशा रहेगी आगे कुछ सालों तक. और साइबर सिक्योरिटी में क्या है, उसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी आते हैं. तो अगर आपको, आप ऐसे हो कि यार आपको कोडिंग पसंद नहीं है या टू टेक्निकल चीजें नहीं पसंद, तो यू कैन गो इन टू लाइक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, ऑल दीज एरियाज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो यार जब तक कि इंटरनेट रहेगा ना तब तक हैकर्स भी रहेंगे और एथिकल हैकिंग भी रहेगी और साइबर सिक्योरिटी भी चलती रहेगी. तो इसमें तो आपके जो जॉब के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. और मैं अभी से यही बात करता था सबसे पहले कि यार आपकी जो फील्ड है ना, ये मेरी सबसे इंटरेस्टेड फील्ड थी एक टाइम पे, लेकिन फिर मैं जो है धीरे धीरे आईटी में शिफ्ट हो गया, फिर मैंने डेटा साइंस, अब डेटा एनालिटिक्स में आ गया. तो अब अभी जो है वो साइबर सिक्योरिटी में है और मैं जो हूँ डेटा एनालिटिक्स में हूँ. यही ऐसी कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि जिससे जो है जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी अपनी जो होम कंट्री है वहाँ पर भी, और अगर आप अब्रॉड मूव होना चाहते हो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है. क्योंकि अब्रॉड में क्या होता है यार, आपको स्किल्ड वीजा चाहिए होता है. स्किल्ड वीजा तभी मिलता है जब आप स्किल्ड जॉब करते हो. और ये जो ऐसे स्किल्स हैं जिस, जो आज हमने इस वीडियो में बताए हैं आपको, ये ऐसे स्किल्स हैं जिसमें जॉब की डिमांड हमेशा रहेगी, आज भी है और कुछ सालों तक हमेशा रहने वाली है. यार जाने से पहले एक ऑनरेबल मेंशन जरूर बनता है, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा जॉब रोल है जो हर एक कंपनी में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कोई कैसी भी कंपनी हो, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स हमेशा रहने वाले हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बिजनेस एनालिटिक्स वो भी रोल भी आता है, जिसमें, जिसको हम BAs बोलते हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड दैट टर्म. नहीं, अगर आप ये बिजनेस एनालिटिक्स का कोई भी कोर्स कर रहे हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हो, MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, इसमें आपको पता होगा बिजनेस एनालिटिक्स का एक जॉब रोल होता है. ये सारी जो फील्ड्स है दीज आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और आजकल जो अब्रॉड में जो फेमस फ्रेमवर्क है दैट इज एजाइल. ऑल द बिग कंपनीज आर मूविंग टू एजाइल फ्रेमवर्क. हमारी कंपनी ने भी रिसेंटली एजाइल फ्रेमवर्क में मूव किया है. तो इफ यू गाइज वॉन्ट टू गो इन टू अ नॉन टेक्निकल फील्ड, आई थिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ रियली रियली गुड फील्ड. तो अगर आप उस फील्ड में देख रहे हो तो प्लीज गाइज डू योर एजाइल फ्रेमवर्क सर्टिफिकेशन, उससे जो है आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स काफी बढ़ सकते हैं. तो यार इस वीडियो में जितने भी अभी तक हमने आपको जो फील्ड्स बताई हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, अगर उसमें आप बैचलर्स या मास्टर कोर्सेज करते हो तो अल्टीमेटली आपके स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. और अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाएगी तो PR तो मिलेगी, हो ही जाएगा आपका. आप PR पे फोकस मत करो, आप ये फोकस करो कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप सीखो जिससे आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिले. तो होपफुली यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि कुछ नई ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें जो कि यार बहुत ही कम अवेलेबल है YouTube पे. और कई सारे लोग हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमें भी लगता है यार ऐसी वीडियोस जो है वो अवेलेबल नहीं है YouTube पे. तो हमने सोचा चलो यार ऐसी कुछ वीडियो बनाते हैं आज. वी जस्ट वांटेड टू मेक अ गुड वीडियो फॉर यू गाइस कि अगर आप सोच रहे हो कि हम किस फील्ड में जाए, कैसा कोर्स सिलेक्ट करें, कैसे हमें स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती है, तो दैट्स व्हाई वी मेड दिस वीडियो कि हम टॉप 5 कोर्सेज आपको जो है वो बताएं. तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.